हाय गाइस, वेलकम टू टेलर स्टॉक न्यूज 24। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ओवरसीज बैंक के शेयर प्राइसेस के बारे में। आखिर हमें बैंक के स्टॉक में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, सारी कंडीशन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। बात करें IOB यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक की, तो हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तकरीबन 3% की तेजी कंपनी के शेयर प्राइसेस में देखने को मिली। फिलहाल जो कंपनी के शेयर कारोबार कर रहे हैं वो आपका 59.40 रुपये के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं। फिलहाल जो हम IOB के चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं वो हम डेली टाइम फ्रेम पर एनालाइज कर रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप देखोगे जो IOB के शेयर प्राइसेस है वो अपने एक मजबूत हमें सपोर्ट जोन यानी कि डिमांड जोन पर देखने को मिल रहे हैं। हमने पहले भी IOB का चार्ट डिस्कस किया था, जहां हमने अपने दो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन जाने थे IOB के। एक तो था आपका 56 रुपये का लेवल, और 56 रुपये के लेवल का अगर इसका हमें लेवल का ब्रेकडाउन देखने को मिलता तो जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो था आपका 50 रुपये का लेवल। फिलहाल आप देखोगे मैं 56 रुपये के लेवल से एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं वॉल्यूम भी बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं करेक्शन की बात करूँ तो मैं इंडियन ओवरसीज बैंक में तकरीबन आपका 32% का करेक्शन हमें ऑलरेडी IOB के शेयर प्राइस में देखने को मिल चुका, जो कि एक बहुत बड़ा करेक्शन होता है। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ से इंडियन ओवरसीज बैंक के जो शेयर प्राइसेस बाउंस बैक करना चाह रहे हैं, यानी अच्छा खासा रिवर्सल दिखाना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो वॉल्यूम बाहर आता है वो हमें दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल की निशानी भी है। तो फिलहाल आप IOB के शेयर प्राइसेस को अपने IOB स्टॉक को अपने रडार पर रख सकते हो, क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम इंडियन ओवरसीज बैंक के शेयर प्राइसेस पकड़ सकते हैं। एक चीज़ और, इस वीडियो में कोई भी बाय सेल और होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।